जो की ट्वेंटी मीटर उसकी रेडियस है थ्री बॉयज अंकुर्री अब उसकी बाउंड्री पर बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे Each having a toy telephone in his hand to टोई टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक टूच अदर फाइन देंथ ऑफ दें क्या निकालना है circle बनाते हैं क्योंकि एक circular park है ठीक है जी इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं अब यहाँ पे बोला है ये जो तीन लड़के हैं कौन कौन है अंकुर है Let's सपोज अंकुर बैठा है यहाँ पे अब वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं बाउंड्री के तो अंकुर अगर यहाँ बैठा है तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे लेट सपोज सैयद यहां बैठा है और डेविड यहाँ बैठा है अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये जो ए एस है मतलब इसके बीच का डिस्टेंस एस डी है मतलब सैयद और डेविड के बीच का डिस्टेंस देन ए डी है मतलब अंकुर और डेविड के बीच का डिस्टेंस तीनों का डिस्टेंस सेम है सो so यहाँ पे मैं लिख दू कि हमें गिवन है जी के ए एस इक्वल है एस डी इक्वल है ए के ठीक है फाइन ईच फोन हर किसी के अब देखो इसके हाथ में फोन है यहां तक कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग हो गई डी ए एक ये हो गई एक ये हो गई तो हमें बेसिकली तीनों इक्वल दे रखे हैं और यही क्वेश्चन में हमें फाइंड भी करना है तो अगर आपने एक भी फाइंड कर लिया ए एस फाइन कर लो चाहे एस डी फाइन कर लो चाहे डी ए फाइन कर लो एक चीज भी फाइन कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस है स्ट्रिंग का ठीक है जी नाउ स्टार्ट कैसे करेंगे अब यहाँ पे अगेन एक दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उससे पहले लेकिन क्वेश्चन कट को हम आगे कर लेते हैं ये हो गया हमारा सेंटर ठीक है सो so, सेंटर से हम ओ एस को ज्वाइन कर देंगे सेंटर ओ ले लेते हैं ओ ए को ज्वाइन कर देंगे एंड जी ओ डी को ज्वाइन कर देंगे हर क्वेश्चन में आपको देखना है क्या निकालना है कैसे निकाल सकता है ठीक है ना अच्छा यहाँ पे ये देखो ओ ए सेंटर से यहाँ तक जा रही है तो मेरी ओ ए क्या होगी ट्वेंटी मीटर क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में रेडियस ट्वेंटी है इसी हिसाब से ओ एस बी ट्वेंटी होगी और ओ डी भी ट्वेंटी होगी ठीक है और ये ए इसको नेम दे, दे चाहे इसको एक्स बोल दो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा ठीक है अब कोई भी एक चीज पकड़ लो लेक सपोज एस डी हमने ले लिया कि हमें एस डी निकालना एस डी निकल जाएगा बाकी दो भी निकल ही जाएंगे सो so, अब इसमें और क्या करेंगे हम देखो एस डी तक कैसे पहुंचेंगे पहली चीज यहां ये, ये एस डी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है ना क्योंकि तीनों साइड हमें इक्वल गिवन है सो देर फोर ए एस डी यहां पे लिख भी दू मैं ए एस डी एस ट्राइंगल ठीक है ये हमारे पास एक, एक, एक आया है अब यहां पे आपको एक दो प्रॉपर्टी समझनी होगी एक तो वही हमारी सेम जो चलती आ रही है क्योंकि मैं पे कंसनट्रेट कर रही हूँ तो ओ तो से मैंने यहाँ पे एक लाइन कर दी लेट्स कॉल दिस पॉइंट एम बोल देते हैं इसको अगेन सेंटर से अब एस डी कॉड है सेंटर से कॉड पे आ रही है नाइनटी डिग्री का एंगल होगा दो इक्वल पार्थ में डिवाइड करेगी हर क्वेश्चन में हम ये थ्योरम यूज करके आए अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए थ्योरम ठीक है जी सो so, यहाँ से क्या मिला मुझे कि एक तो ओ एम पर पेंडिकुलर है एस डी के ऑल्सो एस एम इक्वल है एम डी के ठीक है मेरा टारगेट क्या है मुझे एस डी निकालना है सो so, अगर मुझे एस डी निकालना है तो अगर यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल देखूं एस ओ एम तो so, इसमें अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ नाइन्टी डिग्री का एंगल है लेकिन द प्रॉब्लम इज ना तो मेरे पास ओ है ना मेरे पास एस एम है तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है is, ये ध्यान से समझना अगर एक एक सर्कल के अंदर आपके पास ट्रायंगल है अगेन आपको समझाने आपको के लिए मैं एक और फिगर यहां पे बना रही हूं ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया अगर एक सर्कल के अंदर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये बनाया हमने ठीक है अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं मतलब इस पॉइंट से ये ये हो हो गया इस हो गया इस पॉइंट से मीडियन मतलब इस पॉइंट से ये मीडियन हो गया मीडियन मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा यहां से इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये और यहां से अगर मैं नीचे वाली देखूं तो वो यहां पे इसको मीडियन हो गया के मीट करते है, यहां पे इस पे कर रहे हैं है, सर्कल है है? है, के अंदर अगर एक इक्वीलेट्रल ट्राइंगल है तो इसके मीडियन जो सेंटर पे मीट करेंगे उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉयड जैसे यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे मीडियन ही समझ लो ये ओ पॉइंट पे मतलब सर्कल के सेंटर पे मीट करे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड अब इससे फायदा क्या आप सोचोगे क्वेश्चन के बीच में हम थ्योरी को समझाने लग गए ये फायदा है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये हमारा डिवाइड करता है यूज मतलब कि अगर जैसे ये है तो ये दो को टू इज टू वन में डिवाइड करेगा इसी तरह से इसकी बात करें अगेन टू इज टू वन इसकी बात करें अगेन टू इज टू वन बट हमें सारे नहीं लेने हमें सिर्फ इस वाले का ध्यान रखना सो so, मतलब एओ और ओ एम को वो टू इज टू वन की रेशियो में डिवाइड करेगा सो so, इस पार्ट को मैं रब कर देती हूं। Now, अब जो यहां से हमें मिला है जो मैंने आपको समझाया है उसकी हेल्प से इसको भी हटा देते हैं कमिंग बैक टू क्वेश्चन यहां पे अब मेरे को यह मिल गया कि एओ का रेशियो ओ एम के साथ है टू इज टू

तो ओ एम की वैल्यू आ गई टेन अब बहुत सिंपल अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ये हमारा ट्वेंटी है ये हमारा टेन है ऐसे में नाम से निकाल सकती यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो एसओ एम ट्राइंगल लेंगे सो तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल एस ओ एम ठीक है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम सो so, जी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा देखो जरा 90 डिग्री एंगल ये वाला है सामने वाली साइड एस SO ओ है मतलब SO का स्क्वायर विच इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम और एस एम के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के सो so, ओ एम स्क्वायर अरे ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एम हो गया एक हमारा और एक हो गया एस एम का स्क्वायर सो जी एस एम का स्क्वायर अब देखो इसमें से हमारे पास क्या क्या है SO की अगर हम बात करें तो वो ट्वेंटी अब देखो इसमें से हमारे पास क्या क्या है एसओ SO की बात करें तो वो ट्वेंटी हमें गिवन है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम की बात करें ओ एम अभी हमने फाइन किया है टेन है मतलब टेन का स्क्वायर प्लस एस एम हमें फाइन करने तो एस एम का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर हो गया फोर हंड्रेड टेन का स्क्वायर हो गया हंड्रेड प्लस एस एम स्क्वायर सो so, हंड्रेड को उधर भेज देंगे ये हो गया जी फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड टू एस एम पास आ गया थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड में से हंड्रेड माइनस किया एस एम इक्वल हो गया अंडर रूट में थ्री हंड्रेड अब अंडर रूट में अगर थ्री हंड्रेड इधर करके दिखा रही हूं आपको थ्री हंड्रेड को आई कैन राइट इन टू टेन हंड्रेड इंटू थ्री टेन so, का तो पैर बन गया वो तो रूट से बाहर आ गया अंडर रूट में बचा थ्री ठीक है so, सो एस एम मेरा आ गया थ्री अब अगर एस एम थ्री आ गया सो so हमें पता है एस एम और एम डी इक्वल है मैं so लिख सकती हूँ एस एम इज इक्वल टू एम डी इक्वल टू टेन रूट थ्री दोनों ही टेन रूट थ्री हो गए हमें फाइंड करना था एस डी तो हमारा एस डी है एस एम प्लस एम बी विच इजन रूट थ्री प्लस टेन रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री है दोनों को हम प्लस कर सकते हैं टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी रूट थ्री सो ये हो गया हमारा आंसर हमसे पूछा था कि फाइंड दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर हमने एक भी निकाल दी तीनों की सेम है मतलब ए एस इक्वल टू एस डीवल टू ए डी हमारा आ गया ट्वेंटी रूट थ्री